हेलो गाइस। तो कभी सोचा नहीं था कि एक दिन भी आएगा जब छोटा सा हाथ में उंगली चोट लग जाती थी तो हम खाना बाहर से मंगवाते थे, और आज देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी एक हाथ से खाना बनाना पड़ रहा है। तो हेलो गाइस, आज है संडे। तो इस सुबह सुबह रिद्धि बहुत बताओ, जल्दी उठ गई थी, और ये रिद्धि आई हुई थी हमारे घर, और ये बहुत एक्साइटेड ध्यान रहती थी, रखो। बातें करना चाहती थी पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं थी। और ये मैं हूँ, रुक तो अब मैं जाऊंगी ऊपर खाना बनाने। ये जाओ, अपना दिखा रहे कि इसको हाथ में चोट लग गई थी, जब देखिए। मैं गेट बंद कर रही थी तो लग गई थी मुझे चोट। ये बहुत ध्यान से, क्लम्सी है, बहुत इसको तेज चोट लगती लगती है। रहती है। उसके बोलो बाद ये बेटू, मेरी बोलो बेटी, ध्यान से जिससे रखो, कुछ भी बोलो ये पता नहीं कहाँ देखती रहती है ऊपर में, बोलो ध्यान से बीच रहो। बीच में रह रहे के जवाब देती है। अभी बहुत छोटी है शायद इस वजह से। फिर इसका मैंने किया मॉर्निंग का मसाज, यहाँ पे इतने सारे पौधे ले मसाज ये जाना अच्छे नहीं, से यहाँ से करवाती वहाँ है, से लेकिन थोड़ा खरीद रहे ज़्यादा देर हो। तक कर दो तो रोने लगती है। और अभी इसका एक्सप्रेशन देखो, ये मसाज करने के बाद इसको थोड़ा सा बैठा दिया है तो एक्सप्रेशन देखो। फिर इवनिंग में मैंने बताया चाहे चीला, और ये अकेले पराठा बनाना पड़ रहा है मुझको, वो भी एक हाथ से। ऐसा नहीं घर में लोग नहीं है, बट बेबी जो है ना वो मेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मन भी नहीं करता किसी और को देने का। और ऐसे ऐसा चेहरा बनाती है ना कि कोई भी हो ना तो फिर वो खुद से ही काम करे, किसी इसको दे ही ना किसी और को। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था एक हाथ से रोटी बनाना, लेकिन जब बेबी हो हाथ में और कोई ऑप्शन ना हो तो ये हो जाता। देखिए मेरे बाबू का पैर है, पायल पहना रखा है मैंने, 1 महीने की है। हम वही लोग हैं जो पहले थोड़ा सा भी हाथों में चोट लगता था तो हम सीधे बाहर से खाना मंगवाते थे या फिर मना कर देते थे खाना बनाने से, तो मम्मी बनाती थी। और अब देखिए जब खुद माँ बने हैं तो फिर पता चल रहा है कि कितना स्ट्रगल होता है माँ के साथ। एक हाथ से काम कर रहे हैं ताकि बच्चे को हेल्दी खाना मिले। अभी तो मेरी बेटी नहीं खा सकती, लेकिन ये एक्सपीरियंस है फ्यूचर के लिए। जब वो थोड़ी बड़ी होगी और बाहर का खाना खाना स्टार्ट करेगी तब के लिए है कि अगर वो उसे कोई दिक्कत है या मुझे कोई दिक्कत है तो भी उसके लिए मैं बनाऊँगी। और ये मुझे बहुत ईजी लगा, पहले मुझे बहुत भारी लगता था, और मुझे बहुत ईजी लगा कि हाँ चलो बन गया, एक हाथ से ही बन गया पराठा, वो भी परफेक्ट गोल, बिना टूटे उटे, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मुझे कहाँ अच्छा टोटी चालू है लगा, क्या? कहाँ से गिरा पानी? वैसे बार मोटर बार लगा सही कर होगा। रही थी, और ये फ़ोन मैंने अपने हाथ से पकड़ रखा था तो वो बार बार हिल रहा था, इसलिए सही से नहीं मिला। तो ये मैंने सारे बेल के रख लिए, और ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और ये रही है मेरी बेटी, इसको हम कभी कभी ऐसे बिना कपड़े के रखते हैं क्योंकि इसको गर्मी बहुत लगती है। बाय बाय।